आइए अब हम अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत के करीब जाते हैं जिसे दुनिया खतीबे कोकन के नाम से जानती और पहचानती है। जब खतीबे कोकन हमारे सामने बैठे हों तो किस तो जुबान से जो जुमला निकले वो जसारत होता है। बहुत सारे प्रोग्राम जिस तरह बाजी ने भी जिक्र किया कि सर जो है बहुत सारे प्रोग्रामों में सर का नाम होता है, लेकिन सर की चूँकि तबीयत या हालत की वजह से सर बहुत सी जगह पर नहीं पहुंच पाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि सर को शिफाए कुल्ली अता करे, बहुत तंदुरुस्ती दे और सर का दस्ते शफकत हम जैसे पिछले मकतब के सरों पर तादेर कायम रखे। सर आज भी आपकी तशरीफ आवरी के सुनता हूँ मैं कि आज वो तशरीफ लाएंगे, आपके कदमों पर शेर है कि सुनता हूँ मैं कि आज वो तशरीफ लाएंगे, अल्लाह सच करे कहीं झूठी खबर न हो। आपकी जोरदार तालियों के दरमियान मैं तमे तमीज के और खतीबे कोकन से गुजारिश करता हूँ, और कबल उसके मैं मोहतरमा तबस्सुम नाटकर साहिबा और मंजूर नाटकर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए कि पिछले साल सर को इकबाल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का ऐलान हुआ था, लेकिन उसी दिन सर अलील होने की वजह से प्रोग्राम में नहीं तशरीफ लाए थे, लिहाजा वे अवार्ड में बाजी से भी दरखास्त करता हूँ, मंजूर नाटकर से भी दरखास्त करता हूँ और हमारे मौजूद मेहमान से भी गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जो है आप खड़े हो जाए और खतीबे कोकन अली शमसी साहब की खिदमत में लाइफ टाइम अचीवमेंट पेश किया जाए। देखा तो ये बातें घर घर जो हो रहा है, गुरु
के डायरी में दे दी और सबने आकर बहुत सफर करके कहा कि शमशी साहब आपने किताबें दी है तो पढ़ने वाला एक भी नहीं है। और हम लोग तो जाकर लाइब्रेरी से किताबें लाते थे जो खरीदने के औकात नहीं दिया है कपड़े ये कोशिश भी राय का नहीं जा रही है बस तो बड़े शौक से ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं जो पढ़ते पढ़ते तहजीब की बुनियादों को मजबूती भी आ रही है जो तहजीब जो है पनप रही है। उजाले सब तेरे ममनून होंगे चरागों की हिफाजत करने वाली उजाले सब तेरे ममनून होंगे चरागों की हिफाजत करने वाली। इस वक्त इस्लाह माशरा का जो पहलू है उसमें इस किस्म की तहरीरात पढ़ने वालों को बड़ा जज्बा मिलता है का जहन संवर जाता है काम करने के तैयार होते हैं। जो किताबें तुम्हारी तरफ से गई हैं उनसे कई कई किताबों के नाम से तहसीली कलमात हम तक पहुंचे कि वो ऐसी किताब लिख रही है जिससे फायदा हो रहा है पढ़ने वालों को जिनको उर्दू आती है उन्होंने पढ़ी बात होगा तो ऐसा कहकर हमने सुना है कहानियाँ जिनको अच्छा लगता है सुनाते हैं। आज भी हमारे पास कुछ चीज़ अच्छी आती है तो हम जमा करके घर के लोगों को भी लेके ये सुनाना चाहते हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे एहसास में एक बात रही सबकी नक्शों को तुम देखो जांचो नक्शों को तुम न जांचो लोगों से मिल के देखो क्या चीज जी रही है क्या चीज मर रही है। इस वक्त कभी कभी मुझ पर जो गम का लंबा आता है उस लंबे का नाम सोचता हूँ कि तहजीब कैसे कैसे अभी आगे इसको चला सके क्योंकि गनीमत है जिन लोगों ने थोड़ा सा अपने बच्चों को मस्जिदों से जोड़ के रखा है वहाँ थोड़ा सजीकार है इस महफिल में कैसे लोग आए हैं और ऐसी महफिल के हम तरस के रह गए कितनी आज भी मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की असल जो शर है दुनिया की असल शर है खैर के लिए मुजाहिदा करना पड़ता है। हम सबको तैयार होना है हमारे मुजाहिदे हमारी कोशिश इस सिम का अगर बदल गए तो रास करना चाहिए इसको भी भूल के चलेगा। आप बच्चों को नमाज क्यों पढ़ने के लिए आगे बनाते हैं आपकी फिक्र वाबस्ता है उर्दू की फिक्र हमने छोड़ दी है हम सब ने उर्दू अगर घर में रहे ना तो आज ही तहजीब की हिफाजत तो सिर्फ जबान की वजह से हो जाती है। जानिए हम इसको और जिस तरह से इस वक्त मजमा कहता है कि मैंने कहा करते कहाँ मैं और कहाँ है करते हूँ नसीम सुबह तेरी मेहरबानी ये मजमा के इसमें हमारे एक अजीम बैठे हुए हैं वो उनका उसके लिए लिखा गया कि मैंने यहाँ पढ़ के सुनाया था क्या नाम है आप पैदा बोलो ना रहे होगा और ज्यादा आपको
एक बात इसके लिए आजकल थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, साल के गरीब आने के बाद अंदाज छोड़ना है, ऐसे अशार आते थे हमको अदा करो, हम कर नहीं पाते थे, हमें देखना पड़ता है। तो एक छोटा सा शहर पहले मुतना ऐसा शहर के लोग बहुत सब कैसे मिलने के मेरा नहीं है, लेकिन आपको बोला था जिंदगी में बहुत जरूरी है जुमला जुमला जिंदगी में बहुत जरूरी है ये समझना के क्या जरूरी है। अगर अंदर ये आवाज आपके पहुंच रही है तो अमल की तरकीब बदल जाएगी। शायरी जो है अजब काम करती है, शायरी जो जिस सत पैगंबरी कहा गया बाद में शायरी ने तो तैयार कर दिया। ये बात आप तक पहुंचानी थी। चेखोफ की एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, उस कहानी में था कि सारी दुनिया को फूलों से भरा हुआ देखने की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, अगर हर शख्स अपने आंगन में फुलवारी लगा दे और सारी दुनिया में इस पैगाम को फैला दे, हर शख्स अपने आंगन में फुलवारी लगा सकता है, तो फिर मेरा ख्याल पूरा दुनिया का माहौल भी बदल जाए। आज हम जब यहाँ बैठे हैं तो ये बात भी हमको याद रखनी है। हमारी जो आदतें हैं इनसे होकर हमारी जिंदगी गुजर जाती है, और ये आदतों को इबादत बनाने का काम जो है उसकी तरफ तवज्जो कर ले तो काम बहुत अच्छा हो जाए। काम करते हो तब अपना जायजा ले, ये काम खैर का है या तजिया औकात का है, और कोई बात नहीं करता वक्त जाया कर। ये भी एक बात आप तक पहुंचानी थी। आखिर में एक बात आप चुपा एक सवाल मैं करूँगा कि मन का अंदर थे कि बहुत अहम काम, एक लाख का मजबा हो और मैं कह दूँ कि आप अल्लाह को मानते हैं आवाज गूंजेगी सर्द आसमान तक नहीं, फिर मेरा रुको भाई दूसरा सवाल अल्लाह की मानते हो, अल्लाह को मानते हैं आवाज को आसमान तक पहुंची, अल्लाह की मानते हो, तो मैं कहता हूं कि हम सब जो है दूसरी बात पर ध्यान दें, अल्लाह की बारगाह में जवाब सब नहीं दूसरे पास नसल की तालीमान जिसको करते हैं उसको दिया है। बहरहाल आज की मस्जिद बहुत शानदार, हमारे मंजूर अजीज मंजूर उनको अल्लाह ने मंजूर कर लिया। कोकरी में शायद उमरा बड़ा है ना, उमरा बड़ा है ना, कलवा भरा कौसा भरा कौसा भरा भरा है ना, कौसा भरा पाइपो बोरी है कसकला भरा, तुम बड़े नसीब वाले हो,
मुबारक हो, जन्नत हो। बीवी ऐसी है जिसके काम जन्नत की तरफ ले जाने वाले, उसको संभालने का काम जिस तरह से तुम कर रहे हो, उस काम को अल्लाह कबूल करे। यहाँ बैठे लोग उसे आपकी गुजारिश करता हूँ। अभी जो है सिर्फ अपनी जात तक महदूद रहकर, अपने आराम तक महदूद रहकर चलने का जमाना नहीं रहा। भाई कहीं ना कहीं आपके बस में, जैसे वो मैं चिपों की बात की, मिल्लत के ताल्लुक से गमखारी का जज्बा आप में है, उसका अमली इजहार जो हो, इसके लिए कुछ ना कुछ आपके वक्त में से कुछ हिस्सा दे दीजिए। अल्लाह ये वक्त कबूल कर लेगा तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। क्या उर्दू के लहजे में गुफ्तगू हो रही थी, अनाउंसिंग से लेकर सब निशाद हो गए, आबाद हो गए। अब इससे मैं बहुत मुख्तसर बात करना चाहता था, लेकिन मैं जज्बात ही बन गया। मुझे तो सदर साहब सुनना है। फिलहाल आप हजरात ये चलन बाकी रखें कि इस तरह से आप शादाब होकर जाए कि मैं किसी अच्छी जगह पर बैठे थी, कुछ अच्छी बातें सुनी, लेकिन सुनने के कान दो हैं और अमल का रास्ता जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अपनी जात को इल्लत के लिए नाफे बनाइए। को मैं पहले अपने आप को पास देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, जाइए हम सब मिलकर, हर एक अपने ठिकाने एक अहम शख्स है। आपने अपने पड़ोस की भी फिक्र की, अपने घर की भी फिक्र की, तो ये मिल्लत का मुस्तकबिल रोशन करने वाला चाहूँगा। पमा लेना इंजल्ला। बहुत शुक्रिया सर। हमारा अपना ये ख्याल होता है कि वो चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं खूबसूरत होती हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि हम फूलों की रंगत को देखते हैं, हम तितलियों की नक्काशी को देखते हैं, लेकिन यकीन जाने कि खतीब गोपन को सुनने के बाद इस बात का एहसास होता है कि समाधें भी इतनी खूबसूरत हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए